नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टेक्निकल गार्डनिंग विद अभी में। दोस्तों, आप ये पौधा देख रहे हैं, ये बोगनविलिया का पौधा है। आज हम इसी पौधे की बात करेंगे कि हमें बोगनविलिया की केयर कैसे करनी है, नर्सरी से लाए हुए पौधे को हमें अपने पॉट में ट्रांसप्लांट किस प्रकार करना है कि पौधा मुरझाए नहीं, ख़राब ना हो, और इसमें ढेर सारे फूल हमें कैसे प्राप्त हों, क्या कंपोस्ट करनी है, कैसी मिट्टी तैयार करनी है, पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो आइए दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको आसानी से मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं कि बोगनविलिया के पौधे को जब हम नर्सरी से लेके आते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें मिट्टी किस प्रकार तैयार करनी है, किस साइज़ के गमले में हमें बोगनविलिया का पौधा लगाना चाहिए। दोस्तों, आप कोशिश कीजिए कि बोगनविलिया के पौधे को लगाने के लिए आप कम से कम 12 इंच या उससे बड़ा पॉट ले, और अगर आपको अवेलेबल हो तो आप मिट्टी का पॉट ही यूज करें जिसमें एरेशन अच्छी हो, क्योंकि प्लास्टिक के पॉट में एरेशन अच्छी नहीं होती है, पर मेरे पास प्लास्टिक का पॉट है तो मैं इसको यूज कर रहा हूँ। और मिट्टी भरने से पहले दोस्तों ये इंश्योर कर लीजिए कि इसमें ढेर सारे ड्रेनेज होल हों। देखिए, जैसे मैंने इसमें करीब 7 ड्रेनेज होल कर रखे हैं। अगर आपके पॉट में नहीं है तो आप ड्रेनेज होल अच्छे बना लीजिए, क्योंकि बोगनविलिया के पौधे को नमी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होती है, तो जो ड्रेनेज होल के रास्ते एक्सेस वाटर जो भी हो वो निकल जाए। अब दोस्तों, हमने पॉट ले लिया है तो इसके ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए हम यूज करेंगे नारियल के छिलके को। दोस्तों, आप किसी भी चीज़ से हो उसको हो कर सकते हो, पत्थर के टुकड़े या गमले, पुराने गमले के टुकड़े या किसी टुकड़ों की मदद से, या आप अपने गार्डन की ही जो सूखी पत्तियां हैं उनकी मदद से आप ड्रेनेज होल को कवर कर सकते हैं। और अगर आपके पास इस प्रकार के नारियल के अगर छिलके अवेलेबल हैं तो ये भी बहुत ही बेस्ट है। ये इसमें आप इस प्रकार अपने गमले में डाल दीजिए और इससे आप कवर कर दीझिए इसके ड्रेनेज होल को। तो इससे क्या होता है, मिट्टी आपकी ड्रेनेज होल के रास्ते बाहर नहीं जाएगी, पानी जो भी एक्सेस वाटर है वो इस रास्ते इस नारियल के छिलके की हस्क की मदद से छन के बाहर निकल जाएगा। तो आप देखिए, इस प्रकार हमने एक लेयर नारियल के छिलके की इसमें डाल दी, चारों तरफ फैला भी दिया। अब इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि हमें मिट्टी कैसी इसमें यूज करनी है, किस प्रकार की मिट्टी तैयार करनी है, तो क्या क्या हमें मिट्टी में लेना है। दोस्तों, मैं अपनी पुरानी गार्डन सॉइल यूज कर रहा हूँ जो कि मैं पहले भी कंपोस्ट मिला चुका हूँ, तो मैं इसमें 80% गार्डन सॉइल और 20% काउडंग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट ले रहा हूँ। अगर आप पहली बार फ्रेश मिट्टी बना रहे हो तो आप 40-40 या 50-50 का रेशियो रख लीजिए। इसके बाद आपको कंपोस्टिंग की आवश्यकता बहुत ही कम होगी, ना के बराबर, क्योंकि बोगनविलिया का पौधा जो होता है इसमें आपको हमेशा कंपोस्टिंग नहीं करनी होती है। ज़्यादा कंपोस्टिंग से हमारा पौधा ख़राब होने लग जाता है बोगनविलिया का। तो अगर आप फ्रेश मिट्टी बना रहे हो तो एक बार आप 50-50% काउडंग कंपोस्ट और 50% फ्रेश गार्डन सॉइल ले लो, और उसमें आप 100 ग्राम के आसपास सरसों खली, 100 ग्राम नीम खली और 2 चम्मच या 3 चम्मच आप सीवीड ग्रैनुअल्स, जो ग्रैनुअल्स के फॉर्म में है, आप इसको पाउडर फॉर्म में भी यूज मिले तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं, जैसा भी आपको अवेलेबल हो उसे आप इसमें मिट्टी बनाते समय हमें कितनी मात्रा में यूज कर लेनी है। ऐसा देखिए, ग्रैनुअल्स फॉर्म में है तो हम ये सीविड ग्रैनुअल्स भी इसमें मिला लेनी है। अब इसको हम एक बड़े टब में सारे को मिला लेंगे दोस्तों। ये हमारा कंपोस्ट हो गया। अब हम नीम खली मिला लेंगे इसमें 1 से 1.5 मुट्ठी। नीम खली दोस्तों फंगस से बचाने के लिए यूज किया जाता है, एंटी फंगल का काम करता है और कंपोस्ट भी काफ़ी अच्छी होती है ये। और बाकी हम सरसों खली इसमें मिला लेंगे और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस प्रकार दोस्तों हमारी ये मिट्टी
हमने तैयार कर ली है, पूरी तरह से मिट्टी तैयार हो गई है। अब हम इस मिट्टी को इस गमले में जो हमने भी तैयार बनाया हुआ है, ढक रखा है, इसमें मिट्टी भरेंगे। जब मिट्टी आधी पॉट से ज़्यादा थोड़ी भर जाती है तो दोस्तों हमें जो हमारा पौधा है उसको ग्रो बैग से निकाल लेना है। ये जो पौधा है हमारा दोस्तों बोगनविलिया का, अभी मैंने आपको दिखाया, इस पौधे को इस पॉलीथीन से हमें निकाल लेना है और इसमें जो मिट्टी लगी हुई है इसकी जड़ों में, उस मिट्टी को इससे हमें, ये देखिए जो जड़ों में मिट्टी है इसको हमें इस पौधे से अलग कर लेना है। क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि जो नर्सरी वाले मिट्टी यूज करते हैं पौधे को लगाने में, वो चिकनी मिट्टी या रेड सॉयल यूज करते हैं। तो इस प्रकार देखिए दोस्तों, हमने इस पौधे से, ये देखिए मैं आपको दिखाऊं कि वो चिकनी मिट्टी में उन्होंने पौधे को ग्रो किया हुआ, ये चिकनी मिट्टी है। चिकनी मिट्टी वो इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उनके पास पौधे ढेर सारे होते हैं और सभी में टाइम से वाटरिंग दे पाना बहुत ही मुश्किल होता है, तो चिकनी मिट्टी में वाटरिंग थोड़ी कम चाहिए होती है, इसलिए वो चिकनी मिट्टी यूज करते हैं। पर हमें चिकनी मिट्टी यूज नहीं करनी दोस्तों, हमें मिट्टी यूज करनी है भुरभुरी। तो हम इस पौधे को इस कंटेनर में अपने 12 इंच वाले पॉट में लगा देंगे। इस बात का आप ख्याल रखिएगा कि पौधे को थोड़ा गहरा ही लगाइएगा, गहराई से, ताकि उसकी रूट्स अच्छे से पकड़ लें। अब जो बची हुई ऊपर की जगह है स्पेस, उसे हम बाकी बची हुई अपनी मिट्टी से इस प्रकार भर देंगे। और गमले को आप ऊपर से 1 से 1.5 इंच खाली रखिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम कंपोस्टिंग करने के लिए या वाटरिंग करने के लिए आपके पॉट में स्पेस हो। हल्का फुल्का आप इस प्रकार दबा दीजिए ताकि पौधा स्टेबल हो जाए। और इस प्रकार देखिए चला के हमारा गमला अब भर गया है। अब दोस्तों हमें इसमें वाटरिंग करनी है। वाटरिंग हमें फर्स्ट टाइम करनी है, तो अच्छे से करनी है ताकि पानी रूट्स को अच्छे से मिल जाए। अब दोस्तों नेक्स्ट टाइम हमें वाटरिंग तब करनी है जब आपकी मिट्टी कम से कम 2 इंच की लेयर अच्छे से ड्राई हो जाए, क्योंकि हमारे पौधे को, बोगनविलिया के पौधे को बहुत ज़्यादा नमी पसंद नहीं है। इसलिए दोस्तों ज़्यादा नमी इसको नहीं देना है, वरना इसमें फूल तो नहीं आएंगे और पौधा भी खराब हो जाएगा। तो आपको ढेर सारे प्यारे प्यारे फ्लावर्स लेने हैं तो आप मॉइस्चर कम रखिए बोगनविलिया के पौधे में। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।